वाला मैं सोच रही हूँ बनाने का। सो आई एम जस्ट लीविंग फॉर द डिनर। आज दिवाली का मैं ट्राइपॉड लेकर निकल पड़ी हूँ। सो मम्मी ने बत्तियाँ भी रेडी कर दी हैं। अब ये जगह क्लीन करके मैं रंगोली स्टार्ट करती हूँ। हाय गाइस, व्हाट्स अप, हैप्पी दिवाली। एंड अभी सारा कुछ कंप्लीट करके आई एम हियर और अब हम रंगोली बनाना स्टार्ट करेंगे। सो दिस टाइम आई एम प्लानिंग, हर बार मैं यहाँ पे बीचों बीच बनाती थी बट इस बार आई एम प्लानिंग कि इस दीवार भी यूज करके वो हाफ वाली होती है ना, दैट आई थिंक। सो आई डोंट नो कैसी बनने लगी, मैंने एक इंस्पिरेशन पिक्चर तो निकाला है। सो आई शो यू वॉट आई एम प्लानिंग टू क्रिएट दिस ईयर। तो ये वाला मैं सोच रही हूँ बनाने का, कितना आइडेंटिकल कर पाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'm all set ready and now we'll go for the puja and yeah, I'll meet you after that. जैसे कि पूजा जस्ट अभी कंप्लीट हुई है तो अब हम सब नीचे जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वोर टुडे। उसके बाद हमने थोड़े बहुत पटाखे जलाए और मैंने कुछ एस्थेटिक शॉट्स लिए मेरे नए कैमरा से जो कि मैंने अभी एक महीना पहले ही लिया है। तो मम्मी पापा ने दिया लगाया और फिर हमारा सडन प्लान बना कि चलो बाहर थोड़ा चलते हैं और फिर डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। गाइस व्हाट्स अप, सो इट्स डिनर डे टुडे एंड आई एम गोइंग टू द फैमिली एंड आई विल मीट यू गाइस ऑन द वे। सो जैसे कि हर दिवाली का भी ट्रेडिशन बन चुका है, हर दिवाली अब हम बाहर जाने लगे हैं रात को सारी लाइटिंग वगैरह देखने के लिए। तो इस दिवाली भी यही प्लान बना और सब ने अपने अकॉर्डिंग इतनी एस्थेटिक लाइटिंग कर रखी थी एंड इट वॉज सो सूदिंग टू वॉच एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला हमें। सो वी आर हियर एट द जयपुर चौपाटी और बाहरी बड़ा सा बोर्ड आपको दिख जाएगा जयपुर चौपाटी मानसरोवर का। सो ये उसका एंट्रेंस है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है, वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की। सो वी केप्ट ऑन कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे एंट्री केवल 10 रुपीज़ पर पर्सन है और 4 साल के बच्चों के लिए फ्री है। एंड देखिए आज इतना ज़्यादा भरा हुआ है, हमें बड़ी मुश्किल से हमारी फेवरेट वाली सीट मिली है एंड वी लव द वाइब। यहाँ का वाइब ना बहुत अच्छा है, लाइव म्यूजिक सुनते सुनते आप फूड एंजॉय करो, इट्स अ ब्यूटीफुल वाइब। हर कैफे में आजकल यही वाइब होता है बट ऐसा चौपाटी वाला एरिया जयपुर में ये मैंने पहला ही देखा है। सो इट वाज काइंड ऑफ अमेजिंग। तो हमने ऑर्डर किया था पनीर चीला, दही बड़े और पाव भाजी और कुछ और भी चीज़ें। द फूड वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों घूम के देखा जाए और क्या क्या। तो जितना आप यहाँ पे घूमोगे उतने ज़्यादा आपको फूड आइटम देखने को मिलेंगे। सो इसके बाद आई हैड कॉफ़ी और पानी पताशी, देख के मुझसे रुका नहीं गया। सो आई हैड पानी पताशी एज वेल। देन वी आर गोइंग बैक होम। Welcome back to our YouTube channel. Bye guys. No. Hi guys. So this was all for today's YouTube video. I hope you guys love it. And if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. This would mean a lot to me. Thank you. Bye.